चलिए अब CV3 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम एंटीमाइक्रोबियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं कि एंटीमाइक्रोबियल्स होते क्या हैं। एंटीमाइक्रोबियल्स वे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगी को या तो नष्ट कर देते हैं या फिर उनके पैथोजेनिक एक्शन को रोक देते हैं। उन्हें हम एंटीमाइक्रोबियल्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, ये सभी एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं एंटीबायोटिक्स को। यहाँ एंटी का मतलब है अगेंस्ट और बायोस का मतलब है लाइफ। इसका मतलब एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अगेंस्ट होते हैं, मतलब उनको किल कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स एनिमल और ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही कम टॉक्सिक होते हैं और इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में इनका मोस्टली यूज किया जाता है। पहले यह माना जाता था कि एंटीबायोटिक्स वे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं या फिर उनको किल या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे रिसर्च और डिस्कवरीज हुई तो यह पता चला कि एंटीबायोटिक्स का प्योरली केमिकली सिंथेसिस भी पॉसिबल है। पॉल एर्लिक ने केमिकली सिंथेसाइज्ड एंटीबायोटिक मेडिसिन आर्सफिनेमिन, जिसको कि सैल्वर्सन भी कहा जाता है, का डेवलपमेंट किया, जिसकी स्ट्रक्चर आप वीडियो में देख सकते हो। यह एंटीबायोटिक मेडिसिन सिफिल्स के ट्रीटमेंट में काफी यूजफुल होती है। पॉल एर्लिक को उनकी इस डिस्कवरी के लिए नोबल प्राइज भी दिया गया था। इसके बाद उन्होंने दुनिया का सबसे पहला इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रोटोसिल का डेवलपमेंट किया और हमारी बॉडी के अंदर यह प्रोटोसिल नाम का एंटीबैक्टीरियल एजेंट सल्फेनिल एमाइड नाम के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जो कि एक रियल एक्टिव कंपाउंड होता है। इसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम फंगस के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की डिस्कवरी की, जो कि एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के फील्ड में एक काफी बड़ा रिवोल्यूशन था। अब हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन। तो पहले तरह के एंटीबायोटिक होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स वे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की एक वाइड रेंज को या तो किल कर सकते हैं या उनके एक्शंस को इनहिबिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कुछ मेडिसिन्स के नाम दिखाए गए हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाती हैं। दूसरी तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स वे एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट अपना एक्शन दिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेनिसिलिन जी। तीसरे तरह की एंटीबायोटिक्स हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये वे एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म या फिर एक सिंगल डिजीज के अगेंस्ट अपना इफेक्ट दिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिसिडाजिरिन। अब पढ़ते हैं एंटीसेप्टिक्स के बारे में। एंटीसेप्टिक्स भी एंटीबायोटिक्स की तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो प्रिवेंट करते हैं या फिर उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इनको हम लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाउंड्स पर, कट्स पर, अल्सर्स पर और डिजीज्ड स्किन सर्फेसिस पर, और इनको एंटीबायोटिक्स की तरह नहीं लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेटॉल, जो कि क्लोरोक्सीलिनॉल और टर्पिनियॉल का एक मिक्सचर होता है, यह काफी वाइडली यूज होने वाला एंटीसेप्टिक होता है, जिसको हम नॉर्मली वाउंड्स और कट्स पर लगाते हैं। इसके अलावा बोरिक एसिड का एक डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन एक वीक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है हमारी आंखों के लिए। उसी तरह से बिथायनॉल नाम का एक केमिकल
हमारी सोप्स में इम्पार्ट किया जाता है क्योंकि जिससे उसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आ सके। इसी प्रकार यदि हम अल्कोहल वाटर मिक्सचर में 2-3% आयोडीन मिलाकर आयोडीन सॉल्यूशन बनाते हैं तो इस सॉल्यूशन को हम आयोडीन का टिंक्चर बोलते हैं और यह एक अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। अब पढ़ते हैं डिसइन्फेक्टेंट्स के बारे में। डिसइन्फेक्टेंट्स को हम इनएमिनेट मतलब निर्जीव वस्तुओं के ऊपर अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लोर्स, इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रेनेज सिस्टम। कोई भी सेम सब्सटेंस अपनी कंसंट्रेशन को वेरी करके एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइन्फेक्टेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 0.2% फिनॉल सॉल्यूशन एक एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट करता है जबकि 1% फिनॉल सॉल्यूशन एक डिसइन्फेक्टेंट की तरह एक्ट करता है।